जो लहसुन प्याज है इनको खाने को क्यों मना किया जाता है? लोग कहते हैं इनमें बदबू आती है, ये होता है वो होता है। एक बदबू ही कारण नहीं है, दूसरा कारण ये होता है कि इनमें मादकता बहुत होती है। समझ आ रहा है? ये जितने भी कंद हैं, चाहे आलू हो, चाहे प्याज हो, चाहे लहसुन हो, इनमें इतना ज़्यादा इनके अंदर मादकता होती है, इतनी ज़्यादा इनके अंदर गर्मी होती है, हीट होती है, और वो हीट की भी बजाय उनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है, साइंस की भाषा में बताएं तो वो इतना ज़्यादा होता है कि वो शरीर के लिए एक सात्विकता का भाव पैदा नहीं कर पाता। समझ में आ रहा है ना? तीन तरीके के भोजन होते हैं, एक सात्विक होता है, एक राजसिक होता है, और एक तामसिक होता है। सुना है कि नहीं? कुछ नहीं सुनते हो, खाने पीने का बस मन रहता है, कुछ नहीं सुनने में आता। अच्छी बात है तो ना सुनी है ना पढ़ी है, है? कितने तरीके के भोजन? तीन तरीके के भोजन, एक सात्विक, एक राजसिक और एक तामसिक। समझ आ रहा है ना? सात्विक भोजन जो सबसे अच्छा माना जाता है, सात्विक का मतलब ही है जो हमारे अंदर सत्व पैदा करे, सत्व माने ताकत, सार, बल पैदा करे, उसका नाम है सात्विक। राजसिक भोजन थोड़ा सा उसमें राजसी जैसा ठाट बाट आ जाता है, थोड़ा मिर्च मसाले ज़्यादा हो जाते हैं तो वो राजसिक हो जाता है। समझ रहे ना? तरह तरह के व्यंजन इत्यादि जो बहुत टेस्टी चीज़ें हैं, अच्छी हैं, भक्ष्य हैं, लेकिन वो थोड़ा सा राजसिक श्रेणी में चला जाता है। तामसिक वो कहलाता है जो हम सिर्फ अपने अंदर उद्वेग के लिए और उसका उपयोग इसलिए करते हैं कि उससे हमारे अंदर तरह तरह की एक कहना चाहिए उन्मत्तता आए, उसको तामसिक भोजन कहा जाता है। समझ आ रहा है ना? तामसिक भोजन वर्ज्य होता है, छोड़ने योग्य होता है। यह भारतीय संस्कृति में हमेशा ऋषियों मुनियों ने कहा तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। सात्विक को तो सामान्य से सब लोग करें, और राजसिक जो बड़े बड़े राजाओं के यहाँ जिस तरीके के व्यंजन होते हैं वो कभी कभी राजसिक ठाट बाट वाले जो आप कभी अपने ब्याह शादियों में जिनका उपयोग करते हैं वो थोड़ा राजसिक भोजन हो जाते हैं, वो भी चल जाता है जब कभी के लिए, है ना। लेकिन तामसिक भी जो है नुकसानदेह होता है क्योंकि इसकी भी शरीर को जरूरत नहीं होती है। होता क्या है कि इन भोजनों का हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए मन की भी वृत्तियां तीन प्रकार की बताई गई, एक सात्विक, एक राजसिक और एक तामसिक वृत्ति वाला मन। और जैसा मन होगा वैसा व्यक्ति बनेगा, तो तीन ही तरीके का आदमी हो जाता है, एक सात्विक वृत्ति वाला आदमी, एक राजसिक वृत्ति वाला आदमी और एक तामसिक वृत्ति वाला आदमी। सुन रहे हैं? भारतीय संस्कृति में जब आप कभी गीता वगैरह पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि एक सांख्य मत है उसमें तीन गुण बताए जाते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। माने ये प्रकृति जो बनी हुई है ये इन तीन गुणों से बनी हुई है, तो ये हर चीज में ये तीन प्रकार का ये भाव आ जाता है, सात्विक भाव, राजसिक भाव और तामसिक भाव। अब आप देखें, जब आप आलू खाते हैं, प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा तामसिकता का भाव आ जाता है। मैंने एक बार एक आर्टिकल पढ़ा था आलू के विषय में, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मतलब कि वैज्ञानिकों ने इस बात के लिए सिद्ध किया कि आलू के अंदर इतना कार्बोहाइड्रेट होता है, इतनी हीट होती है आलू के अंदर, कि उस हीट को हमें डिजॉल्व करने के लिए कम से कम अगर हमने एक किलो आलू खाया है तो हमें 3 किलो दूध पीना पड़ता है, तब जाकर के वो आलू हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट की उस गर्मी को पचा पाता है। समझ आ रहा है? आप सोचें, ये साइंस के थ्रू बता रहा हूं मैं आपको। मतलब कि आलू के अंदर अगर इतनी हीट है और एक सामान्य सात्विक वृत्ति का अगर व्यक्ति इस तरह से व्यक्ति भोजन करेगा, निरंतर आलू खाएगा, तो क्या होगा? अब उसके अंदर इतनी हीट पैदा होगी तो वो क्या होगा? वो उसके अंदर एक उन्मत्तता पैदा करेगी। उन्मत्तता समझते हैं? मतलब कि उसकी मनोवृत्तियां उसके कंट्रोल में नहीं रहेंगी, वो कामुक होगा, तरह तरह की उन्मत्तता के साथ उद्दंडता का व्यवहार करेगा, वो किसी के नियंत्रण में नहीं रहेगा, डिसिप्लिन में नहीं रह पाएगा। समझ आ रहा है ना? ये मनोवृत्ति किससे बनेगी?
इससे बनती, तामसिक भोजन से। लहसुन और प्याज में भी यही तामसिकता होती है, ये तामसिक वृत्ति वाले भोजन कहलाते हैं। और इस तामसिकता का सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि जो पृथ्वी के नीचे दबे हुए रहते हैं, अंधकार में जिन फलों की या वनस्पतियों की उत्पत्ति होती है, वो अंधकार में होने के कारण से इनके अंदर तमोगुण प्रधान होता है। समझ आ रहा ना? अगर हम गीता की भाषा में आपको समझाएं तो इसमें तमोगुण की प्रधानता है। तमह माने अंधकार होता है, अंधकार से ही, तम से ही ये तामसिक शब्द बनता है। तो जो वनस्पतियां तम में उत्पन्न होती हैं, अंधकार में उत्पन्न होती हैं, माने उनके आसपास का एनवायरमेंट जैसा होगा उनके अंदर भी उसी तरीके की गुणवत्ता आ जाती है। तो जो अंधकार माने धरती के अंदर अंधेरे में, डार्कनेस में, तम में जिनकी उत्पत्ति हो रही है, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, हवा नहीं पहुंचती ऊपर की, वहां जिनकी उत्पत्ति होती है, तो उस अंधकार में जो चीजें बनी हैं वो चीजें अगर आप खाओगे तो आपके ज्ञान में भी अंधकार आएगा, आपके अंदर भी वो तामसिकता की वृत्ति आएगी, आपका मन भी जो है फिर उजालों की ओर नहीं चल पाएगा, ज्ञान की ओर नहीं जा पाएगा, अंधकार में ही आपका मन डोलेगा। सुन रहे हैं? ये बता रहा हूं साइंटिफिक तरीके से ताकि आप लोग समझ पाए और समझा पाए बच्चों को कि क्यों नहीं हमें आलू खाना चाहिए। तो जो इस तरीके से जैसे आलू की उत्पत्ति उस धरती के अंदर, अब हमें वो चीजें सेवन करना चाहिए जिनकी उत्पत्ति खुले आकाश में हो रही हो, हवा में हो रही हो, और जिसमें सूर्य का प्रकाश खूब लग रहा हो, वो चीजें हमारे लिए सात्विक होंगी। समझ आ रहा ना? आप देखें, आप बहुतायत वही चीजें लेते हैं, और जिनकी उत्पत्ति जमीन के अंदर इस रूप में होती है कि उनको अगर हम सीधा सीधा खाएंगे, किसी भी तरीके के पीस बना के भी खाएंगे, तो भी वो हमारे लिए इफेक्ट डालेंगे। आप अगर मान लो हल्दी खाते हैं या अदरक की सौंठ बना करके खाते हैं, एक तो जो है वो सूख गई, सूखने के बाद उसका चूर्ण बन गया, चूर्ण बनने के बाद उसका उपयोग चुटकी भर होता है। समझ आ रहा ना? उसकी तुलना हम आलू के साथ नहीं कर सकते हैं। आलू तो हमें पूरा पूरा खाना होता है, सीधा सीधा खाना होता है, उसके हम पीस ही बना करके खाएंगे, उसको हम सुखा के नहीं खा सकते, कोई उसकी चुटकी भर चूर्ण नहीं बनाया जाता है। समझ आ रहा ना? तो आलू में और इन चीज में ये अंतर है। इसी तरीके से लहसुन और प्याज, ये भी इनकी पूरी पीस के पीस होते हैं। समझ आ रहा है? आदमी एक एक दो दो चार चार प्याज एक एक बार भोजन में खा जाता है तो ये उसके अंदर एक मादकता पैदा करते हैं, उन्मत्तता पैदा करते हैं, इनमें कामुकता ज्यादा पैदा होती है।